चलिए देखिए, मैं स्टार्टिंग से एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ कि सभी को पता होगा कि हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग इन सी। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन सी हमारा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग हम लोग यूज़ किए हैं, प्रोग्रामिंग इन सी, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग इसका सब्जेक्ट को पढ़ेंगे क्यों, क्यों पढ़ रहे हैं बताओगे क्या? कोई बता पाएगा हम लोग इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, जो लोग पहले से अटेंड कर रहे हैं क्लास, जो जिनकी 3-4 क्लास हो गई है? बता पाएगा कोई? सॉफ्टवेयर बनाने के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग सॉफ्टवेयर बना पाए, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन बना पाए। ठीक है, एप्लीकेशन या फिर हम लोग सॉफ्टवेयर बना पाए। अब यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाता है। चलाना मीन्स इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर बहुत सारी ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको ऑपरेट करना होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं, ठीक है, वो जनरली किस पे काम करते हैं, वो करंट पे काम करते हैं, ठीक है, करंट पे काम करता है। तो ये करंट उसको देना पड़ेगा तभी तो वो ऑपरेट कर पाएगा जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, बहुत सारे आज के डिवाइस, आजकल की डेट पे इतने सारे डिवाइसेस आ गए हैं जो बहुत अलग अलग टाइप से काम करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सब लोग जानते हैं, लैपटॉप होता है, ठीक है, या फिर हम लोग मोबाइल देखते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग क्या देखते हैं, स्मार्ट वॉच आते हैं, ठीक है, तो ये सारे डिवाइसेस जो है अलग अलग टाइप से काम करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मान लो इस स्मार्ट वॉच की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो MI Band 4 आता है, वैसे बहुत सारे आपके आजकल के डेट में बहुत सारे स्मार्ट वॉच आने लग गए हैं, ठीक है, तो वो हम लोग को टाइम तो बताता ही है, साथ में हम लोग कितना किलोमीटर चल रही है वो भी बताएगा, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे तो उसकी भी कुछ ना कुछ हम लोग को डिटेल्स देता है। ठीक है, तो जितने भी ये डिवाइसेस होते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, सभी एक ही चीज पे काम करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ही होता है जो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ही होता है जो इतनी सारी डिवाइसेस को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो हम लोग को यही सीखना है कि ये सॉफ्टवेयर एक्चुअल में काम कैसे करता है, ठीक है, हाउ, जो भी इसकी वर्किंग है वो कैसे होती है। ठीक है, वर्किंग जो है इस सॉफ्टवेयर की कैसे होती है। अब जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप सभी लोग चलाते हैं, व्हाट्सएप सुने हो कि नहीं सुने हो, सब लोग, यस सभी लोग सुने सर, व्हाट्सएप, ठीक है, यस सर, तो व्हाट्सएप यस जो सर, है वो क्या करता है, क्या होता है व्हाट्सएप में? उसमें वीडियो कॉल, मैसेज वगैरह सब कर सकते हैं। मैसेज भेजना, वीडियो कॉल करना, हम लोग सबसे पहले तो इसमें चैट कर सकते हैं, ठीक है, हाँ दूसरा इसमें वीडियो कॉल होता है, ठीक है, थर्ड ऑडियो कॉल होता है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, इमेज शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, स्टिकर्स होते हैं, पेमेंट, अकाउंट्स वगैरह। ठीक है, इतनी सारी इसके अंदर फीचर्स हम लोग को मिलती है। ठीक है, कभी सोचे हो कि ये कैसे बना होगा?
कभी सोचे हो कैसे बना होगा ये और वो कैसे मोबाइल पे काम करता होगा? कभी सोचे हो? कितने लोग सोचे हैं बताओ? कितने लोग सोचे हैं? कोई सोचा आज तक? वो तो फ्री में मिल गया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिए और यूज कर रहे हैं। कौन सोचता है कि कैसे बनाया है, क्या बनाया है, किसने बनाया है, है ना? यही होता है। किसने सोचा है बताओ? कोई आज तक सर सोचे पर कभी आंसर नहीं मिला इसका। कभी आंसर नहीं मिला तो आज आंसर मिलेगा कैसे बनता है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग को कोई भी इस टाइप का एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, तो जो एप्लीकेशन होता है तो वो एप्लीकेशन जो है वो किस पे काम कर रहा है, ठीक है, किस पे काम कर रहा है? वो मोबाइल में काम कर रहा है, ठीक है। तो मोबाइल के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको में क्या क्या सर्विस दे सकते हैं, सबसे पहले वो डिसाइड करना होता है हमको। क्या करना होता है, क्या क्या सर्विस दे सकते हैं वो हम लोग को डिसाइड करना होता है। मतलब हम लोग को इनडायरेक्टली क्या बनाना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। मैं कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है। हम लोग को क्या बनाना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो किसी भी मोबाइल पे चले, किसी भी लैपटॉप में चल जाए, किसी भी कंप्यूटर में चल जाए, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, अभी सॉफ्टवेयर किस में चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चलेगा, ठीक है। किस में चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सब चीज आ जाती है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट वॉच और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, सबके सब आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे हम लोग, ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कि हम लोग किसी भी चीज से बना दिए, ऐसा नहीं कोई टेबल, बेंच, चेयर नहीं कि लकड़ी से बना दिए, ठीक है। ये कंप्यूटर में चलेगा, ये हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में क्या है, स्क्रीन लगी होती है, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन में कुछ कुछ हम लोग टच वच करते रहते हैं तो वो काम करते रहता है, ठीक है। कभी सोचो कि व्हाट्सएप का आइकन है, उसमें हम लोग सिर्फ टच करते हैं तो खुल जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो वो कैसे करता होगा, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस को ही हम लोग को बनाना होता है और यही सारी प्रोसेस मिल के क्या बनती है, सॉफ्टवेयर बनती है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग मिला दे, अगर मान लो हम लोग यहाँ पे इतना सारा फीचर्स दे रहे हैं, चैट क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग चैटिंग करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। वीडियो कॉल भी क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। ऑडियो कॉल भी क्या है, एक प्रोसेस है। इमेज हम लोग शेयर कर रहे हैं, स्टिकर शेयर कर रहे हैं, पेमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, ये सब क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इकट्ठा कर दे रहे हैं और क्या बोल दे रहे हैं उसको, सॉफ्टवेयर बोल दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, व्हाट्सएप। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, व्हाट्सएप, ठीक है। तो अब ये सॉफ्टवेयर जो है वो बना कैसे होगा, ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले प्रोसेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस बनाने के लिए हम लोग को किससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, मतलब किससे बातें करना पड़ेगा, कंप्यूटर से। किससे बातें करना पड़ेगा, कंप्यूटर से बातें करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर को क्या समझता है, कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज 01। कंप्यूटर सिर्फ एक ही चीज जानता है, सिर्फ करंट। क्या जानता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हम लोग बटन दबाए, करंट उसके अंदर गया और वो कुछ ना कुछ फंक्शन करेगा, इतना वो जानता है, ठीक है। अब उसके अंदर हजारों टाइप के पार्ट्स लगे होते हैं, हजारों के करोड़ों पार्ट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसके अंदर। होता है रैम,
ठीक है, उसके अंदर आता है हार्ड डिस्क, ठीक है, इसके अंदर होता है मदरबोर्ड, ठीक है, इसके अंदर होती है मेमोरी, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। इन सब से हम लोग को इंटरैक्ट करना होता है। क्या करना होता है? इंटरैक्ट, ठीक है, इंटरैक्ट मतलब क्या होता है कि हम लोग बातें करना है इसको, इसके साथ, मतलब ये रैम से हम लोग को कैसे काम निकलवाना है, हार्ड डिस्क में कैसे सेव करना है, मदरबोर्ड से क्या काम करवाना है, मेमोरी से काम का क्या कराना है। तो ये सब से बातें करने के लिए कंप्यूटर से हम लोग को क्या देना पड़ता है, इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, ठीक है। जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे ये काम नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। आया समझ में? हमने क्या दिया? इंस्ट्रक्शन। यस सर। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन कैसा होगा वो इनके लैंग्वेज में होगा, रैम के लैंग्वेज में होगा, हार्ड डिस्क के लैंग्वेज में होगा, मदरबोर्ड जो समझते हैं, ठीक है। ये सारे हार्डवेयर है, क्या है? हार्डवेयर है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जानती है, क्या जानता है? वोल्टेज, ठीक है, मतलब करंट, ठीक है, या तो उसको करंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। करंट मिल रहा है तो उसको किस टाइप का करंट मिल रहा है, कितना करंट मिल रहा है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो ही चीज मान के चलते हैं कि इसको करंट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर मिल रहा है तो 1 होगा, अगर नहीं मिल रहा है तो 0 होगा, ठीक है। मिल रहा है तो 1 होगा और नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? 0 होगा। आया समझ में? तो हम लोग को 1 और 0 के फॉर्मेट में ही हम लोग को इंस्ट्रक्शन देना होता है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। अब वो 0 और 1 में कैसे इसको कन्वर्ट करेगा वो हमारा काम नहीं है, ठीक है। हमारा काम क्या है? इंस्ट्रक्शन देना। हमारा काम है प्रोसेस बनाना। हमारा काम है सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है। समझ में आया? कितना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अब आ जाते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन जब हम लोग बनाएंगे, ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? इंटरेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। किससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा? हम लोग को मशीन से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब भी किसी के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, किसी के साथ बातें करते हैं, तो हम लोग या तो जैसे मान के चलो मोदी जो है, ठीक है, इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, तो वो क्या करता है? जैसे चाइना जाता है, ठीक है, तो वो तो हिंदी में ही भाषण देता है, लेकिन चाइनीज जो पीपल होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, चीनी लोग, ठीक है, तो उन लोग को वहाँ पे एक इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है? वो हिंदी में समझेगा और उसको कन्वर्ट करेगा चाइनीज में, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो इंस्ट्रक्शन की बातें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग तो एक ही लैंग्वेज जानते हैं, या तो हम लोग इंग्लिश जानते हैं या तो हिंदी जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश जानते हैं या हिंदी जानते हैं, ठीक है। हिंदी की तो बात छोड़ दो अभी, अब हम लोग यहाँ जानते हैं इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो कंप्यूटर चलता नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं? इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसको वो इंटरप्रेट करेगा, मतलब इंटरप्रेटर क्या करेगा? उसको चेंज कर देगा किसमें? मशीन लैंग्वेज में। किसमें चेंज कर देगा? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। मशीन लैंग्वेज क्या करेगा? वो इंस्ट्रक्शन देगा। किसको इंस्ट्रक्शन देगा? जो ये सारी कंपोनेंट्स जो हमारे पास लगे हुए हैं उसको इंस्ट्रक्शन देगा, और वहां से हम लोग को क्या देगा? आउटपुट देगा, ठीक है। आया समझ में? तो इंस्ट्रक्शन हम लोग किस में दिए? इंग्लिश में दिए। आया समझ में? अब यहाँ पे जो इंग्लिश में हम लोग जो भी चीज लिखेंगे, ठीक है, वो इंटरैक्ट करेगा किससे?
इस मशीन से, किससे इंटरेक्ट करेगा, मशीन से इंटरेक्ट करेगा, जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम जो लगा हुआ है और बहुत सारे उसके अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए, रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उससे इंटरेक्ट करेगा और उसको इंस्ट्रक्शन देगा और वहां से कुछ हम लोग को आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं और उसी में ही हम लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जो ये लिखेंगे, जो इंग्लिश में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं और उससे इतना बड़ा प्रोसेस बनता है और आउटपुट हम लोग को उससे कुछ मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग। क्या बोला जाता है इसको, प्रोग्रामिंग। जब भी हम लोग कोई भी मशीन से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको बोली जाती है प्रोग्रामिंग। क्या बोला जाता है, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग, ठीक है। दुनिया के जितने भी हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, दुनिया में हजारों टाइप के, करोड़ों टाइप के डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, डिवाइस मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, हजारों टाइप की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ठीक है, तो सब के सब में प्रोग्रामिंग करनी होती है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग ट्रैफिक देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल जानते हो सब लोग, सुपेला चौक, गड़ी चौक, यस सर, यस सर, तीन टाइप की बत्ती होती है, कौन कौन से कलर की रहती है, एक रेड, रेड, ग्रीन, येलो, ठीक है, और दूसरी होती है ग्रीन, ठीक है, और कौन सी होती है, येलो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन टाइप की हमारे पास सिग्नल है, ठीक है। अब ये सिग्नल जो है, कोई ऐसा तो नहीं कि वहां बैठे रहता है, बटन दबाते रहता है, कभी देखे हो क्या ऐसा कि एक वहां पे बैठा हुआ है और वो बटन कभी देखे हो ऐसा, सर? तो कैसे ये बंद चालू होता होगा, कैसे होता होगा, कंप्यूटर से? तो आपके प्रोग्रामिंग सेट क्या होता है सर? हाँ, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा चिप होता है, चिप में प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईसी। क्या बोलते हैं, आईसी, आईसी, ठीक है, आईसी में प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, ठीक है। बहुत छोटी सी प्रोग्रामिंग होती है, 4-5 लाइन की प्रोग्रामिंग होती है, उस प्रोग्रामिंग को इस लाइट्स के साथ में सेट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि 30-30 सेकेंड का स्लॉट है हमारे पास, ठीक है, 30 सेकेंड लाल बत्ती जलते रहेगी, फिर उसके बाद ये पीली बत्ती जल जाएगी, फिर उसके बाद ग्रीन जल जाएगी, ठीक है, 30 सेकंड तक ग्रीन जले रहेगा, फिर ऑटोमेटिक क्या जल जाएगा, फिर से रेड जल जाएगा, थोड़ी देर बाद सीक्वेंस में फिर से चलेगा, फिर वैसी चलते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, प्रोग्रामिंग कर दिए, तभी वो काम कर रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है, आया समझ में? यस सर, ठीक है। एटीएम जाते हैं, एटीएम हम लोग जाते हैं, एटीएम, यस सर, एटीएम क्या करता है, पैसा निकाल के देता है, विड्रॉ करता है ना, विड्रॉ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कार्ड स्वाइप करते हैं, ठीक है। हम लोग के पास क्या रहता है, हम लोग एटीएम में घुसे और वहां पे एक तो मशीन दिखती है, ठीक है, वहां जाके खड़े हो गए हम लोग, वो पैसा देगा करके, लेकिन देगा क्यों पैसा अपने आप, नो सर, अपने आप तो नहीं देगा। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग वहां कार्ड को इंसर्ट करेंगे, क्या इंसर्ट करेंगे, कार्ड, कार्ड के अंदर एक छोटी सी चिप होती है, चिप देखे हैं सब लोग, उसमें कुछ कलर का कुछ होगा, मेटल टाइप का लगा होगा, जैसे सिम कार्ड रहता है वैसे टाइप का उसमें चिप रहती है, ठीक है। इस चिप को वहां पे इंसर्ट करते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा बैंकिंग डिटेल्स दे देता है, ठीक है, पूरा का पूरा बैंकिंग डिटेल्स उसमें से निकाल लेता है, ठीक है। वहां पे अकाउंट नंबर होगा, वहां पे नेम होगा, ठीक है, बहुत सारा डिटेल वो क्या करेगा, निकाल लेगा, ठीक है। फिर हम लोग को सिर्फ क्या पूछता है, पिन, क्या पूछेगा हम लोग को,
पिन पूछेगा, अमाउंट पूछेगा, ठीक है, और कंफर्म पूछेगा, ठीक है, और सीधा वहां से खर्र करके आवाज आती है और पैसा निकल जाता है, ठीक है। 10 सेकंड में अगर पैसा नहीं निकालोगे तो वापस भी ले लेता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे ये एटीएम मशीन जो लगी हुई है वो काम कैसे कर रहा है? उसके पास अलग अलग टाइप की वहां पे मशीन लगी हुई उसके अंदर, ठीक है, वो पिन को एक्सेप्ट करेगा, वो प्रोसेस करेगा अकाउंट में, ठीक है, वहां से इंस्ट्रक्शन देगा, फिर वो मशीन काम करेगी और पैसा निकलेगा, ठीक है। तो इसको एटीएम को चलाने के लिए क्या बना हुआ है, उसके लिए पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सॉफ्टवेयर बना हुआ है। आया समझ में? वो जो वहां पे दिखता है हम लोग, जिसमें हम लोग कुछ कुछ टच करते हैं, ठीक है, वहां पिन एंटर करते हैं, ठीक है, तो ये सब किससे होता है? इस सॉफ्टवेयर से किया जाता है, ठीक है। और एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, हम लोग चले जाते हैं डी मार्ट, कहाँ जाते हैं? डी मार्ट या बिग बाजार, ठीक है, या फिर हम लोग कहाँ जाते हैं? विशाल, ठीक है, ये सब सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हैं सर। अब वहां जब जाते हैं बहुत भीड़ रहती है, ठीक है, हम लोग ऐसे पूरा बकेट भर के, पूरा जो हमारा शॉपिंग बैग रहता है पूरा भर के हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? बिलिंग करते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसा तो नहीं करते कि हम लोग घर से लिस्ट बना के गए, उसको दे दिए, वो पूरा मॉल घूमा और हम लोग को पूरा ला के दिया, ऐसा करते हैं क्या? वहां पे सेल्फ सर्विस होता है, खुद जाओ, जो अच्छा लगा पसंद करो, पूरा बकेट में डालो और एक साथ बिलिंग करो, ठीक है। तो वहां पे प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, इसमें एक बारकोड लगा होता है, इस बारकोड में क्या करता है? स्कैन करता है, स्कैन करता है, ठीक है, और जैसे ही वो स्कैन करेगा उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स उसमें मिल जाएगी, ठीक है, सारी डिटेल्स क्या करती है? मिल जाती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे बिलिंग के लिए सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, ठीक है, वो सारा काम क्या कर रहा है? आसान कर दे रहा है। अगर हम लोग को 100 प्रोडक्ट की भी यहाँ पे क्या करना है? बिलिंग करना है, तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। 1000 प्रोडक्ट का भी अगर हम लोग को करना है तो भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग इतने सारे चीजों से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, सब क्या है? डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उससे इंटरेक्ट करने के लिए या फिर हमारा काम आसान करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। दुनिया में करोड़ों टाइप के सॉफ्टवेयर चलते हैं। आप लोग फोटो एडिट करते हैं उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है, कैमरा से फोटो खींचते हैं उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है, सब क्या है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हम लोग जो ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं जिससे हम लोग का काम आसान होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं वो सबसे बेसिक टाइप का प्रोग्रामिंग है जिसको हम लोग सी प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब सी प्रोग्रामिंग कैसे बना? बहुत पुराने जमाने में कंप्यूटर जब नया नया था, ठीक है, एक रूम के जितना बड़ा होता था, ठीक है, उसमें लगी होती थी वैक्यूम ट्यूब्स, ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट्स उसमें लगे रहते थे, जैसे कोई पावर प्लांट हो वैसे टाइप का कंप्यूटर होता था, ठीक है। तो उस समय यूज होता था जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता था फोरट्रान यूज होता था, ठीक है, या कोबोल, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती थी, ठीक है। लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होती थी, उसको हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज या फिर मिडल लेवल लैंग्वेज उसको बोलते थे, ठीक है।
इसका थोड़ा सा एडवांस बनाया गया, थोड़े इसमें नए फीचर्स ऐड किए गए, ठीक है। फिर वहां बनाया गया बी लैंग्वेज, ठीक है। फिर इसमें थोड़े बहुत एडवांस फीचर्स ऐड किए गए, फिर उसके बाद बनाया सी लैंग्वेज, ठीक है। तो सी लैंग्वेज बना और हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। जैसे कल मैंने स्ट्रक्चर बताया था उसका, कैसे हम लोग लिखते हैं उसको, ठीक है। अब जैसे हम लोग इंग्लिश भी पढ़ते हैं तो इंग्लिश में क्या है, हम लोग को लिखना पड़ता है ना कुछ तो सेंटेंस बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दिस इज सी क्लास, ठीक है। हम लोग को पता है दिस के बाद इज आएगा, इसके बाद सी लिखना है, फिर क्लास लिखना है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका होता है, ग्रामर होता है, ठीक है। तो हम लोग को वही सीखना है कि कैसे हम लोग लिखते हैं और कैसे ये सब सीख के हम लोग बनाते हैं प्रोग्राम। क्या बनाते हैं हम लोग? प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग करके जो हम लोग लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्राम। आया समझ में? यस सर। यही हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम बना लेंगे, सबको एक साथ मर्ज कर लेंगे तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन, ठीक है। समझ में आया अभी कहानी पूरी कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग इन सी, क्या यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा? जवाब मिला कि नहीं मिला? आज मिल गया सर। मिल गया? यस सर। क्या और कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो, 2 मिनट बचा हुआ है। सर थ्योरी के नोट्स कब दोगे आप? अभी पढ़ेंगे ना आगे, तो धीरे धीरे नोट्स मिलते जाएगा, ठीक है जी सर। चिंता मत करो, सीखने पे ध्यान दो, है ना, बस नोट्स। नोट्स अभी बोलोगे मैं अभी डाल देता हूँ नोट्स, ठीक है। फिर नोट्स मिल जाएगा तो पढ़ोगे क्या? ठीक है, बोलोगे नोट्स तो मिल गया है, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, कल नहीं तो परसों पढ़ेंगे, परसों नहीं तो नरसों पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कल पे बात आ जाती है, ठीक है। तो आज सीखना है तो पहले सीखो, फिर उसको पढ़ो। मैं बताऊंगा कब कब क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। यस सर। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि हाथ पैर फूल जा रहे हैं, पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, चक्कर उक्कर आ रहा है, आँख के सामने अंधेरा चल रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा किसी के साथ, ठीक है। बढ़िया से मल्टी विटामिन खाओ, एक्सरसाइज करो, 8 घंटे की नींद लो, ठीक है, तब सही हो जाएगा। जी सर। एक भी क्लास अगर छोड़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, और अगर जिस दिन क्लास छोड़ देते हो तो ऐप में वीडियो डालते हैं उसको देख लेना, ठीक है सर। कल तो मैं चेक की थी, वीडियो नहीं आया था। हम बात करते हैं यार, कैसे वीडियो नहीं आया था बोलते हो? डाला है वीडियो, दो वीडियो बस था सर उसमें, वही स्टार्टिंग क्लास की। तो मतलब बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाना है। है सर, सर वीडियो है, वीडियो है। देखो मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, पीजीडीसी में दिखा रहा हूँ।